सतना के रत्नेश ने ईरान की 18,000 फीट ऊंची एवरेस्ट पर तिरंगा फहरा दिया। कुछ करने की चाह हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, ऐसा ही साबित कर दिखाया है सतना के रत्नेश पांडे ने। रत्नेश पांडे ने ईरान की 18,000 फीट ऊंची एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर राष्ट्रगान गाकर देश का नाम रोशन कर दिया। रत्नेश पांडे केंद्र सरकार द्वारा कई अवार्ड हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी उन्हें विक्रम पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। रत्नेश मौजूदा समय में सतना नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। रत्नेश लोटस सिटी स्थित पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार के कार्यालय पहुंचे और यहां पर उन्होंने हमारे संवाददाता अंबिका केसरी से बातचीत की। सुनिए इस मौके पर उन्होंने क्या कहा। माउंट एवरेस्ट की प्रेरणा मुझे महाकाल से मिली और चूंकि मैं अभी सतना स्मार्ट सिटी और स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, उसके नाते जो हम देखते हैं कि एक हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम क्या ऐसे सोशल इनिशिएटिव्स ले सकते हैं ताकि हमने जो अचीव किया है लाइफ में, एक एथलीट होने के नाते हमने जो एक माउंटेनियरिंग में पर्वतारोहण में जो एक मुकाम हासिल किया है जहाँ पे एक यूथ के बीच हमारा कनेक्ट अच्छा है और आज हमारा देश कहीं ना कहीं युवा देश है, हम किस तरीके से युवाओं को इस बात के लिए प्रेरित कर सकें कि वो अपने देश के लिए समाज के लिए बढ़ चढ़ के अपना योगदान देकर करें, उसी के नाते मैं सतना स्मार्ट सिटी और स्वच्छता अभियान में जो भी अवेयरनेस के जागरूकता के अभियान के प्रोग्राम्स होते हैं उस पर मैं अपना योगदान अपना पार्टिसिपेशन देता हूँ। मैं लगभग 7 साल बहुराष्ट्रीय कंपनियों में मल्टीनेशनल कंपनीज में प्रबंधक के तौर पर कार्य किया और 2014 से मैंने जॉब वगैरह सब कुछ छोड़ के 100% अपना प्रोफेशन माउंटेनियरिंग को बनाया। मनाली स्थित अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान से मैंने अपनी माउंटेनियरिंग की सभी ट्रेनिंग्स की। अच्छा, जो भी साहसिक खेलों में या माउंटेनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको बताना चाहता हूँ कि भारत में कुछ ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ रखी है, उन्हीं में से एक है अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान। ना केवल मेरा मनोबल बढ़ाया बल्कि उन्होंने पूरे तरीके से विभागों में समन्वय बिठा के पूरा आर्थिक सहयोग भी कराया। बहरहाल 2015 में जब मैं पहली बार एवरेस्ट के लिए गया था तो नेपाल में जो भूकंप आया उसमें मेरे साथ के 21 पर्वतारोहियों की जान चली गई थी उस भूकंप में। 3 दिन तक हम पहाड़ के बीच में लगभग 30,000 फीट में अटके हुए थे, ना रहने का ठिकाना ना खाने का ठिकाना, दिल में तो भरोसा भी नहीं था कि शायद वापस जा भी पाएंगे या नहीं, मगर प्रभु कृपा ऐसी कि 3 दिन बाद हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके हमें नीचे लेके आया गया। मगर कहते ना जहाँ चाह वहाँ राह, दिल में का मान था कि अगर पहला व्यक्ति ही 0 हो गया तो आने वाले समय पे किसी भी युवा को फिर मौका नहीं मिलेगा। तो जस्ट अगले साल फिर 2016 में मैं दोबारा माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए गया और इस बार 21 मई 2016 की सुबह 6:30 बजे ना केवल मैंने धरती के सबसे ऊंचे पर्वत पे तिरंगा लगाया बल्कि मुझे सौभाग्य मिला कि वहाँ अपने देश का राष्ट्रगान जनगणमन गा सकूँ जो कि प्रथम बार वहाँ गुंजायमान हुआ, जो एक कीर्तिमान बना। आपका अगला लक्ष्य क्या होगा? अभी कई सारे माउंटेन पीक्स पे भी क्लाइंबिंग का एक जो पर्सनल थॉट है वो तो है ही, मगर उसके साथ में कहते हैं ना ज्ञान बांटने से पड़ता है। 2014 में जो यात्रा शुरू करी आज मध्य प्रदेश में 6 एवरेस्ट क्लाइंबर हैं, उसके अलावा 10 से ज़्यादा ऐसे पर्वतारोही हैं जिन्होंने कई अलग अलग देशों में दूसरे पर्वत चढ़े हैं। तो एक भाव ये है कि हम किस तरीके से और युवाओं को साहसिक खेलों के प्रति प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि साहसिक खेलों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप शारीरिक तो मजबूत होते हैं, आप मानसिक उससे ज़्यादा मजबूत होते हैं और जीवन में किसी भी तरीके की विषम परिस्थिति आ जाए, आर्थिक सामाजिक कोई भी समस्या आता है, आप हमेशा वो ऑल इज वेल कहते हुए आप लड़ते हैं, वो गिव अप वाला एटीट्यूड आप नहीं रखते हैं। आप देख रहे होंगे मुझे थोड़ा सा अभी चेहरे पे मुझे दिक्कत हुआ है मगर फिर भी आपके सामने इकट्ठा हूँ। हम तो वो गौरवशाली धरती के लोग हैं जहाँ पे जो राम लला बोलते हैं अयोध्या वाले, जो राम राजा सरकार बोलते हैं ओरछा वाले, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहाँ बने हमारी इस सपना की धरती में आते हैं। 12 साल का वनवास उन्होंने सपना में बिताया, व्हाइट टाइगर हमारे यहाँ त्रिकुट पर्वत पर विराजमान हमारी माँ शारदा भवानी इस धरती पे हैं, बुद्ध के अवशेष क्या नहीं है इस धरती में। टूरिज्म के हिसाब से भी हर तरीके से हम अगर बात करें कमर्शियल पॉइंट तो हमारे यहाँ पे इतनी सारा सीमेंट हब है, इन सभी चीज़ों को अगर हम सही तरीके से प्रोजेक्ट के तरीके से यदि हमारे यहाँ का यूथ आगे बढ़ के एक कहते ना जनता का शासन प्रशासन के साथ अगर वो समन्वय बैठता है
तो मुझे नहीं लगता कि वो समय बहुत दूर होगा कि सतना किसी पहचान का मोहताज नहीं है, और सतना देश के उन लीडिंग शहरों में से होगा जहाँ पे अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छे रोजगार के अवसर होंगे। और ये हमेशा, ये एक तरफा नहीं होता, हमेशा कहता हूँ ये पीपल मूवमेंट है, जनता का इसमें इन्वॉल्वमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना जल्दी आपका शहर आगे बढ़ेगा। आप नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर हैं, उस पर अभी सतना मूवमेंट किस प्रकार से और क्या क्या कार्य हो रहे हैं? अभी जो जागरूकता अभियान जो हम चला रहे हैं, ICT एक्टिविटीज़, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, उसमें भाव ये है हमेशा, अभी हमने एक कैंपेन जैसा जो शुरू किया स्वच्छता वीर करने, उसमें भाव ये है कि जो हमारे साथी हैं जो स्वच्छता की मुहिम लेके सबसे आगे चल रहे हैं, जो झाड़ू लेके आपकी गलियों में मोहल्लों में आ रहे हैं, जो गाड़ियाँ लेके, गाड़ी वाला आया कचरा निकाल लेके जो आ रहे हैं, आपको लगता है वो अकेले कर पाएंगे? वो 100, 50, 500, 1000 लोग कर पाएंगे? असंभव है। मुझे अगर गुटखा खा के बीच सड़क में ही थूकना है, मुझे बर्गर खा के पैकेट को रोड में ही फेंकना है, यकीन मानिए कि आपका शहर कभी स्वच्छ नहीं होगा। आज हम इंदौर को देखते हैं, इंदौर में वो पीपल मूवमेंट बना, वो जन अभियान बना, जब लोगों की जन भागीदारी हुई, लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझी। हाँ, हर सिस्टम में कहीं ना कहीं कमियाँ होती हैं। मुझे अगर गुटखा खा के बीच सड़क में ही थूकना है, मुझे बर्गर खा के पैकेट को रोड में ही फेंकना है, यकीन मानिए कि आपका शहर कभी स्वच्छ नहीं होगा। आज हम इंदौर को देखते हैं, इंदौर में वो पीपल मूवमेंट बना, वो जन अभियान बना, जब लोगों की जन भागीदारी हुई, लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझी। हाँ, हर सिस्टम में कहीं ना कहीं कमियां होती हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। हो सकता है कभी आपके दरवाजे गाड़ी ना आ पाए, हो सकता है आपके सामने की नाली ना साफ हो पाए, लेकिन हमें भी कोशिश करना है कि हम अपने घर के सामने की नाली पे ही अपने घर का कचरा ना फेंकें। कोशिश करें उसको एक तरफ रख दें, 3 दिन बाद आए गाड़ी में डालें, या अल्टरनेट ऑप्शन निकालने की हम कोशिश करें। तो इसको लेके अभी एक वृहद ग्रुप पे एक हम पूरा कैंपेन हम लोगों ने शुरू किया है, जिसमें सभी इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, सबके साथ में अलग अलग डिस्कशन चल रहा है। और हम चाहते हैं कि इस बार रिलीजियसली बढ़ चढ़ के सब लोग प्रयास करें ताकि सतना की रैंकिंग टॉप 10 में आए, ये हमारा भाव है, और वो जनता के जुड़ाव से ही संभव हो जाए। जनता यहाँ की चाहती है कि इंदौर की तरह अपना सतना भी नंबर 1 आए स्वच्छता के लिए, तो इस पर आप मतलब किस प्रकार का इसमें कार्य कर सकते हैं और क्या मतलब इसमें अवेयरनेस लोगों में कैसे ला सकते हैं आप? ये तो कहते हैं ना, हर किसी की चाहत होती है। आप मेरे से भी अगर दिल से पूछेंगे तो मैं भी चाहूँगा कि इस बार इंदौर सेकंड आए, हालांकि मेरी कर्मभूमि इंदौर ही है और पहली बार इंदौर का ही मैं ब्रांड एम्बेसडर था, मगर जब मैं अपनी मातृभूमि की बात करता हूँ तो कहते हैं ना मातृभूमि सर्वोपरि, तो मेरे दिल का भी भाव है कि सतना स्वच्छता में नंबर 1 है। आप लोग समझिए, आप बोलिए, रोकिए, टोकिए और खुद ना करिए, और एक दूसरे को प्लीज़ करके इस बात के लिए ज़्यादा प्रमोट करें, स्वच्छता को लेकर आप ज़्यादा अवेयर हों, तो मुझे लगता है कि दिन दूर नहीं कि हम नंबर 1 आएंगे। सतना से इतने मतलब देश और प्रदेश स्तर के कई खिलाड़ी यहाँ से निकल चुके हैं, और कई बार उन लोगों ने सरकार से मांग भी की है कि उनको एक यहाँ पर खेल स्टेडियम होना चाहिए सतना में, तो इस पर आप किस प्रकार मतलब सरकार से मतलब क्या मांग रखना चाहते हैं और उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार अभी इस दिशा में बहुत सकारात्मक प्रयास कर रही है। दादा सुखेंद्र सिंह स्टेडियम से लेकर धवारी स्टेडियम तक को इंटरनेशनल लेवल पे बनाने का ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। अभी कुछ दिन पूर्व ही धवारी स्टेडियम का भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ था, जहाँ पर माननीय महापौर, माननीय सांसद जी, माननीय कमिश्नर महोदय लोग सभी थे, और वहाँ पर ठेकेदार को भी बुला के बोला गया कि इसको A1 क्वालिटी का धवारी स्टेडियम को बनाना है, साथ में दादा सुखेंद्र सिंह स्टेडियम को बनाना है। और मुझे लगता है कि चूंकि अब काम शुरू हो गया है, और उन्होंने बोला है कि 6 महीने के अंदर वो उसको एक अच्छा रूपरेखा बना के देंगे, तो ये हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि सरकार के प्रयास जो हैं बिल्कुल सही दिशा में हैं। हाँ, इसमें जनता का ये इन्वॉल्वमेंट और चाहिए कि हाँ, ना केवल उन लोग स्टेडियम तक सीमित रखें, इसके अलावा भी अगर उनके मन में कुछ और क्वेरीज हैं या कोई बात है तो उन्हें संबंधित पटल तक अपनी बात रखनी चाहिए। और जैसे भी आपने बताया कि पर्वतारोहण के जैसे लोग हैं, माउंट एवरेस्ट जैसे फतह करते हैं, उनके लिए तो उनके लिए बेसिकली एक ट्रेनिंग होती है, तो आप क्या ये अपनी मांग रखना चाहेंगे कि ये ट्रेनिंग सेंटर अपने मध्य प्रदेश में हो या कि देश में कहीं? हाँ, मतलब ऑलरेडी मैंने इसके लिए सरकार से निवेदन भी किया है और अपेक्षा करता हूँ कि ये हो जाएगा। और मेरा बड़ा भाव है कि मैं माउंटेनियरिंग साहसिक खेलों का एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर सतना में ही शुरू करूँ, क्योंकि ये एरिया ना हमारा नेचर से पूरा भरा हुआ है, और यहाँ का जो व्यक्ति है ना एक्चुअली में वो ठसक वाला मजबूत है, मतलब उसको 50 डिग्री के पारे में भी दिक्कत नहीं होती, वो मेहनत कर लेता है, वो यहाँ पर पारा 0 तक भी चला जाता है, दिक्कत नहीं हो यहाँ के व्यक्ति को। तो यहाँ पे हमारा एक प्लान है कि यहाँ पे अगर हम
एक कोई ऐसा एडवेंचर इंस्टीट्यूट जैसा अगर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ के बच्चे ना केवल उसका लुत्फ उठा पाएंगे बल्कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने शहर का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। यदि आप एक ट्रेंड माउंटेनियर हो जाते हैं और यदि आप एवरेस्ट के लिए जाना चाहते हैं तो सरकार 15 लाख रुपए का अनुदान तो आपको दे ही रही है एवरेस्ट जाने के पहले, और उसके बाद में अगर आप सफलतापूर्वक एवरेस्ट चढ़ जाते हैं तो आपको मध्य प्रदेश का खेलों का जो सर्वोच्च पुरस्कार है विक्रम पुरस्कार, उससे भी आपको नवाजा जाएगा। विक्रम पुरस्कार में 2 लाख रुपये की राशि आपको मिलेगी, सरकारी नौकरी आपको मिलेगी। तो एक तरीके से जो एक खिलाड़ी के मन में हमेशा एक भाव होता ना कि क्या मेरा करियर सेफ है, अगर मैं करूँगा तो इसके बाद क्या, तो 100% आपका करियर सेफ है, आपको आर्थिक सहयोग भी मिलेगा, आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगी, तो बेशक ये हो सकता है। और मेरा सरकार से सभी से निवेदन है कि हमें ऐसा एक एडवेंचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम खोलें और सपना में ही खोलें, यही मेरा मनोभाव है। ये थे हमारे साथ पर्वतारोही और नगर निगम स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर रत्नेश पांडे जी। रत्नेश पांडे जी पर्वता माउंट एवरेस्ट को फतह की है और इनको जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विक्रम अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। सतना से अंबिका केसरी, पेप्टिक टाइम।